जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक यौगिक हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, तो आज की कक्षा में हम विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के गुणधर्म और प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक अम्ल। तो चलिए इथेनॉल से शुरू करते हैं। याद करें, इथेनॉल किस ग्रुप का सदस्य है और इसका सूत्र क्या होता है? सही सोचा आपने, इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप का सदस्य है और इसका सूत्र है C2H5OH। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, पर सामान्यतः इथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। और इथेनॉल कक्ष के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए इथेनॉल के कुछ प्रयोगों के बारे में पढ़ते हैं। इथेनॉल को पेंट, इत्र के निर्माण और कपड़ों को डाई करने में उपयोग किया जाता है। इथेनॉल एक अच्छा विलायक है, जिसे इंग्लिश में हम सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि कई कार्बनिक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं, पर इथेनॉल घुलनशील होते हैं। और एक अच्छा विलायक होने के कारण इथेनॉल का प्रयोग टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक और दवाइयों आदि बनाने में भी उपयोग किया जाता है। टिंक्चर आयोडीन को घाव को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में काम लाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि तनु इथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर हानिकारक नशा आ जाता है, और काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए इसका सेवन ना करने की सलाह दी जाती है। चलिए अब इथेनॉल की अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, पहली है इथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया और दूसरा है इथेनॉल का निर्जलीकरण। तो सबसे पहली अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया के बारे में पढ़ने के लिए चलिए केमिस्ट्री की लैब चलते हैं। आइए क्रियाकलाप देखते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें चाहिए इथेनॉल और एक सोडियम का छोटा टुकड़ा। सोडियम को टोंग की मदद से इथेनॉल से भरे हुए बीकर में डालें। अब बीकर में हो रही अभिक्रियाओं को ध्यान से देखें। तो चलिए इसमें शामिल अभिक्रिया देखते हैं। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। इथेनॉल प्लस सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम इथॉक्साइड उत्पाद बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। याद करें, हमने क्रियाकलाप में देखा था अभिक्रिया होने पर गैस निकल रही थी, वह हाइड्रोजन गैस ही थी। वीडियो को रोकें और इस अभिक्रिया को अपनी कॉपी में नोट कर लें। हमने पहली अभिक्रिया के बारे में तो पढ़ लिया, चलिए अब दूसरी अभिक्रिया निर्जलीकरण के बारे में पढ़ते हैं। निर्जलीकरण का अर्थ है जल को अलग कर देना। इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर इथीन और जल बन जाता है। इथीन जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ध्यान दें, इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक, जिसे अंग्रेजी में डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, के रूप में काम करता है, जो इथेनॉल से जल को अलग कर रहा है। वीडियो को रोकें और इस अभिक्रिया को अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।